हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं BSNL से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में BSNL का ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे BSNL जो कंपनी है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनियों में से है, जो संचार विभाग के अंतर्गत आती है और संचार सबसे बड़ी संचार कंपनी है। ठीक है, तो BSNL की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई, इसका क्या नेटवर्क है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम कुछ BSNL से जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प कहानी बताएंगे। तो दोस्तों आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। BSNL सरकार की सबसे बड़ी संचार कंपनी है। ठीक है दोस्तों, जो BSNL कंपनी है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी संचार कंपनी है, BSNL यानी भारत सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों BSNL का मतलब क्या होता है, BSNL बी भारत, एस संचार, एन निगम और एल लिमिटेड, अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को भारत ने 15 सितंबर 2000 को निगमित किया था। अर्थात दोस्तों 15 सितंबर 2000 को BSNL की स्थापना की गई थी। दिल्ली और मुंबई को छोड़कर BSNL के पास पूरे देश में संचार सेवाएं देने का अधिकार है। दोस्तों दिल्ली और मुंबई को छोड़कर BSNL के पास पूरे देश में संचार सेवाएं देने का अधिकार है। ठीक है, वो क्यों है और दिल्ली और मुंबई में क्यों नहीं है, वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाले हैं। यह भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों आप कि यह जो BSNL है, ये भारत सरकार के 100% स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान इसकी कुल आय 18,595 करोड़ रुपए थी। ठीक है, BSNL के पास 12,008.35 लाख ग्राहक हैं। दोस्तों कितने ग्राहक हैं, दोस्तों ग्राहक कितने हैं BSNL के पास, BSNL जो नेटवर्क है उसके पास दोस्तों 12,008.35 लाख ग्राहक जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड के तहत। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपन देख लेते हैं, जो विकिपीडिया से गूगल से मैंने ली है। भारत सरकार निगम लिमिटेड संक्षिप्त रूप में BSNL, ठीक है, दूर संचार विभाग के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है BSNL, जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय का हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है नई दिल्ली भारत के अंदर। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सर्वोच्च अधिकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित हैं, जो भारतीय संचार वित्त सेवा केंद्र के केंद्र से केंद्रीय सिविल सेवा समूह ए राजपत्रित अधिकारी या भारतीय दूरसंचार सेवा केंद्र से केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा समूह ए राजपत्रित अधिकारी हैं। ठीक है, यह पूरे भारत में अपने राष्ट्रव्यापी दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल आवाज और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। यह भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला वायरलेस दूर संचार सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि BSNL है, उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे चुके हैं, और भी दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ पर है, वो हम आगे और देख लेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों BSNL का मुख्यालय जो आपको तस्वीर दिखा दे रही है, ये BSNL का मुख्यालय है और ये नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये कंपनी किस प्रकार की है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये। ठीक है दोस्तों, दूरसंचार इसका उद्योग है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को 23 साल पहले की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली
और दिल्ली में स्थित है, ठीक है, जो भारत के अंतर्गत है। ये सेवाकृत क्षेत्र है, भारत के अंदर ये सेवा दे रही है। और प्रमुख लोग हैं दोस्तों, जो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, जो संचार मंत्री है उसके अधीन ये कार्यरत है, ठीक है। दोस्तों सेवाएं, अगर अपन सेवाओं की बात करें तो दोस्तों ये मोबाइल टेलीफोन, इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट टेलीविजन, IPTV, ब्रॉडबैंड, ठीक है, FTTH, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, ये सभी दोस्तों इतनी प्रकार की ये सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों जो BSNL है वो दोस्तों लगभग 7 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों जो कंपनी है, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, VI हो गई, इन सभी कंपनियों को दोस्तों छोड़ के BSNL का एक मुख्य ट्रेंड चला है, वो है दोस्तों इसका जो मोबाइल सेवाएं देता है, ये इंटरनेट सेवाएं देता है, उनका रिचार्ज प्लान कम है, ठीक है, कम रुपए में दोस्तों अधिक रिचार्ज और अधिक समय तक रिचार्ज प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों BSNL अभी कुछ समय पहले से ही दोस्तों कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है, ठीक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके मुख्य जो प्लान, मोबाइल रिचार्ज के क्या प्लान हैं, उनकी क्या सुविधाएं हैं, ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों BSNL यूजर्स एक बार अपन फिर से एक बार नोट कर लेते हैं दोस्तों, जैसे जैसे जियो, एयरटेल और VI अर्थात वोडाफोन आइडिया ने अपनी टेरिफ बढ़ाए हैं, भारत सरकार निगम लिमिटेड BSNL ने नए ग्राहकों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है। हाल ही में वर्षों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करने वाली सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर को अब निजी ऑपरेटरों द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी का लाभ मिल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 3 जुलाई और 4 जुलाई को निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा टैरिफ में 11 से 25% की बढ़ोतरी के कारण BSNL ने नए ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, ठीक है। दोस्तों अभी हाल ही में जियो और एयरटेल का रिचार्ज और VI का रिचार्ज दोस्तों अधिक करने के कारण BSNL के यूजरों में अधिक तेजी आई है और अपनी अपनी सिमों को BSNL में पोर्ट करवाने पर लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों BSNL के यूजर अभी अधिक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक सस्ता प्लान है, ठीक है, रिचार्ज प्लान BSNL के अंदर सस्ता है, नेटवर्क भी अच्छा है। कुछ स्थानों पर दोस्तों समस्या हो सकती है नेटवर्क की, लेकिन अभी ये सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से चलेगा तभी दोस्तों इसके ग्राहक या यूजर बढ़ते रहेंगे, ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों BSNL के ये फिकायत प्लान, दोस्तों BSNL के जो प्लान है उनको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ₹107 में 3 GB डेटा मिलता है, 200 मिनट और 35 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहती है। दोस्तों ₹108 का 1 GB और अनलिमिटेड दोस्तों कॉलिंग चलती है और 28 दिन के लिए दोस्तों वैलिडिटी रहती है, ठीक है, दोस्तों ₹108 में। दोस्तों ₹197 में 2 GB अनलिमिटेड कॉलिंग और 70 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहती है। ₹199 दोस्तों 2 GB अनलिमिटेड 70 दिन। दोस्तों आप इन सभी रिचार्ज प्लानों को आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों इसके मुख्य रिचार्ज प्लान है जो दोस्तों कम लागत में अधिक समय तक यह अपन को बचत के तौर पर प्लान दे रहा है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जानते हैं ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही है, ठीक है, जो दोस्तों BSNL यूजर हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। BSNL ने अपने यूजर्स को रिपब्लिक डे का तोहफा देते हुए, दोस्तों अभी अपन बात कर रहे हैं जो रिपब्लिक डे गया है उस रिपब्लिक डे पर ये BSNL के द्वारा BSNL के जो यूजर थे उनको एक गिफ्ट भी बोल सकते हैं या तोहफा बोल सकते हैं, वो दिया था, ठीक है। तो हम ये खबर आपको दोस्तों पुरानी बता रहे हैं रिपब्लिक डे से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों रिपब्लिक डे के ऊपर ये तोहफा BSNL ने अपने यूजर्स को दिया था, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी इसको देख सकते हो एक बार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।